हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम बोलते हैं। इस टेस्ट में स्टूडेंट आप देखेंगे कि हम दो टाइप के टेस्ट देखेंगे, एक डिफ्यूजन टेस्ट जो कि स्टॉक डिस्क के थ्रू किया जाता है, और सेकंड जो है वो डाइल्यूशन टेस्ट है जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ और लिक्विड मीडिया और अगार के थ्रू किया जाता है। सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले डिफ्यूजन टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो भी ड्रग है वो सॉलिड मीडिया के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और उसका जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो डिस्क के पास में ज़्यादा होता है, और डिस्क से जैसे ही हम डिस्टेंस अगर डिस्क से दूर होता जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। इस डिफ्यूजन टेस्ट के लिए हम फिल्टर पेपर मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक हम लोग ऐड करते हैं। अब इस डिफ्यूजन टेस्ट हम करते कैसे हैं, उसके लिए क्या मेथड हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट, हम फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर से हम डिस्क बनाएंगे 6 मिलीमीटर की, और उसको रिक्वायर कंसंट्रेशन जो एंटीबायोटिक है उसके साथ चार्ज कर देंगे, उसके सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, और फिर जो डिस्क हमने बनाई है उस डिस्क को हम ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे या कोल्ड प्लेस पे स्टोर करेंगे। फिर इसके बाद जो हमें बैक्टीरिया को चेक करना है तो उस बैक्टीरिया को हम सॉलिड मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और उसको हाफ एन आवर के लिए 38 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको ड्राई होने लेंगे। फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक टेस्ट हमें करना है, जिन एंटीबायोटिक का हमें टेस्ट करना है, वो एंटीबायोटिक डिस्क हम यूज़ करेंगे, और वो डिस्क उसके उस अगार प्लेट पे हम अप्लाई कर देंगे। फिर हम इंक्यूबेशन होने देंगे ओवरनाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। आफ्टर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे दिया गया है, आपको दो जोन नज़र आएंगे। जिस एरिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है उसको जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं, और जिस एरिया में बैक्टीरिया ग्रोथ नज़र आ रही है उसको जोन ऑफ एग्जिबिशन बोलते हैं। सो इससे हम ये पता लगाते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कि कुछ एंटीबायोटिक ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है और कुछ कम कर रही है। इसके थ्रू हम इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उससे हम पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट, जो सेकंड जो मेथड है उसको हम डाइल्यूशन मेथड बोलते हैं। डाइल्यूशन मेथड में मोस्टली जो ब्रॉथ यूज होती है उस ब्रॉथ का नाम है मुलर हिंडल्टन ब्रॉथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ द टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और उनके अंदर जो है पर्टिकुलर जैसे मोस्टली मिसिथिलिन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो उसको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में जैसा कि स्क्रीन पे दिया गया है, डिफरेंट ट्यूब्स में हम अलग अलग कंसंट्रेशन के अंदर वो मिसिथिलिन एंटीबायोटिक हम इनोकुलेट कर देंगे। फिर जिस ऑर्गेनिज्म को हमें टेस्ट करना है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम उन टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर देंगे, और उसको हम जो है इनक्यूबेट करेंगे। इनक्यूबेट के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे, क्योंकि हमने ड्रग का अलग अलग कंसंट्रेशन मिक्स किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जिस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है या उसकी ग्रोथ कम होती है उस कंसंट्रेशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। और स्टूडेंट, जिस कंसंट्रेशन जो ड्रग की कंसंट्रेशन हमने यूज़ की है, तो जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसको हम जिस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता उसे हम बोलते हैं मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन, इस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इनक्यूबेट करेंगे इन टेस्ट ट्यूब को,
कुछ टेस्ट ट्यूब में हमें टर्बिडिटी नज़र आएगी, तो उससे तो साफ ही पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो हम ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। और फिर जिस कंसंट्रेशन में हमें टर्बिडिटी नज़र नहीं आ रही है, तो उन टेस्ट ट्यूब से हम क्या करेंगे कि नॉर्मल प्लेन न्यूट्रिएंट अगार पे उन टेस्ट ट्यूब से बैक्टीरिया इनोकुलेट करके और जो प्लेन न्यूट्रिएंट अगार है उस पर स्प्रेड कर देंगे। तो जिससे हमें क्या है कि आफ्टर इनक्यूबेशन हम देखेंगे कि जो मिनिमम बैक्टेरिसाइडल जो कंसंट्रेशन है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया का बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा। तो जिस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पर बैक्टीरिया का बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसे हम मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन बोलते हैं। और जिस पर लिटिल बिट ग्रोथ हो रहा है, मींस ग्रोथ उतना वायबल नहीं है लेकिन बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है प्लेन अगार मीडिया पे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हम सिर्फ रोक सकते हैं, और जो मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन है उस पे बैक्टीरिया जो है कम्प्लीटली किल हो जाता है। फिर स्टूडेंट, ये जो मेथड है सीरियल डाइल्यूशन, ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि सम ऑफ द टाइम जो एंडोकार्डिटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसके अंदर हमें ड्रग की जो डोज़ रेगुलेट करनी होती है कि कितनी डोज़ पेशेंट को देनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और कभी कभी हम जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी ये करते हैं। सो स्टूडेंट, डाइल्यूशन टेस्ट से ये पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कितनी पोटेंसी में हमें पेशेंट को देनी चाहिए, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट से, डिफ्यूजन टेस्ट से ये पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर स्टूडेंट, नीट पीजी से कुछ क्वेश्चन है, ये आप देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।